साइबर सिटी में विकास की बयार कुछ ऐसी बहने लगी है कि सड़कों पर पैदल चलना, साइकिल चलाना या फिर दो पहिया वाहनों पर सफर करना जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़े खुद बयां करने लगे हैं कि कैसे 2022 में 375 लोगों की सड़क हादसे में मौत सामने आई थी। वहीं 2021 में 405 पैदल चलने वाले, साइकिल से आने जाने वाले या फिर दो पहिया वाहन चलाने वाले इन सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 12 हमारी ब्लैक स्पॉट्स अभी थी, जिसमें से एक होंडा चौक को हम उसमें डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब से हमने उसमें चेंजेस किए हैं, NHAI ने चेंजेस किए हैं, NGO कंपनी ट्रैक्स ने चेंजेस किए हैं, तो तब से कोई भी वहाँ पे कोई इंजर्ड, एक इंजरी है बट कोई डेथ नहीं है। इसी तरह से हमारा प्रयास है कि राजीव चौक को हम, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 10 दिन से हम ट्रायल कर रहे हैं और उस ट्रायल में हम बहुत हद तक सक्सेस हुए हैं और उसकी सक्सेस और अच्छी तरह से कंप्लीट हो उसमें हमारा लगातार डे बाय डे प्रयास चल रहा है। जैसे अभी तक हम मैनुअल चला रहे थे, आज हम लाइट लगा के इसको कल से लाइट से पे करेंगे। तो ये ब्लैक स्पॉट था राजीव चौक, इसको भी हम डीकंजस्ट भी कर देंगे और इसको ब्लैक स्पॉट से भी हटाने का हमारा प्रयास है। वहीं इस मामले में DCP ट्रैफिक की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने 19 ऐसे डार्क स्पॉट की पहचान की थी जहां सर्वाधिक सड़क हादसे सामने आ रहे थे, जहां ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर उन्हें सही किया जा रहा है। DCP ट्रैफिक की माने तो खिड़की दौला टोल के आसपास के इलाका बिलासपुर और इसके आसपास लगते दर्जनों भर इलाके पंचगांव चौक, वाटिका चौक सहित कई डार्क स्पॉट हैं जहां पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे सामने आ रही हैं। लेन ड्राइविंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हम उसको मानते हैं, क्योंकि जब लेन ड्राइविंग होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। जिग जैग के रूप में जो लोग चलाते हैं उनको हमने रोका है, इसके साथ साथ हमने जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग थी उसको रोका है, तीसरा हमने जो ओवर स्पीडिंग थी उसको भी हमने रोका है, चौथा सबसे अहम बात जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, हमने अब तक मार्च तक 311 चलाने, जो हमारा अभियान लगातार जारी है शराब पी के चलाने गाड़ी चलाने वालों के लिए, हमने हमारे जो टीमें हैं 16 टीम हम जो है हर सप्ताह शुक्रवार शनिवार इतवार को ग्राउंड पे होती हैं, जो शराब पी के गाड़ी चला रहते हैं उनको चलान करते हैं, उनको चेक करते हैं। सड़क पे जितने भी मोटर व्हीकल्स के रूल्स बनाए गए हैं वो आपको सेफ गार्ड करते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखें, उनको फॉलो करें। दरअसल धीरे धीरे सिमटे शहर की तमाम फुटपाथ पर अतिक्रमण होता जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा पैदल चलने वालों को भुगतना पड़ रहा है। सभी डार्क स्पॉट के आसपास काफी हैवी ट्रैफिक रहता है, इसी के चलते पैदल सड़क क्रॉस करते समय, साइकिल चलाते वक्त और दो पहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा इन सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। बीते 2021 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 405 ऐसे लोग थे जो इन सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी जैसे नामों से सुसज्जित गुरुग्राम में औसतन एक व्यक्ति इन सड़क हादसों का शिकार हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।